हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू, क्योंकि आपने आर्टिस्ट पार्ट वन जो वीडियो मैंने डाला था उसको आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि पहली बार एक दिन में 100 से ऊपर व्यूअर हुए। 100 ही नहीं, 150 भी नहीं, 200 से ऊपर व्यूअर कल पहली बार एक दिन में आपने पहुंचाया है, जो कि पहले 40 से 50 व्यूअर के बीच में फर्स्ट डे रह जाता था। सब्सक्राइबर में भी 30% से ज्यादा का कल बढ़ोतरी किया आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जब आप प्यार देते हैं तो जोश बनता है और ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने का मन करता है और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े रहने का मन करता है। तो वेरी वेरी थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप हर वीडियो को प्यार देते रहेंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम था द आर्टिस्ट, एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सिगन नोया साहब के द्वारा लिखा गया था। इस कहानी में दिखाया गया था कि कैसे हम एक छोटे बच्चे के टैलेंट को कुचल देते हैं। उस छोटे बच्चे का नाम था सिबी, और वो भी एक जापानीज बॉय था जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसको गॉड्स यानी कि तुम्बे में बहुत ज्यादा रुचि था और तुम्बे को संग्रह करने का उसका शौक था। तो देखिए, ये आपका आज का VVI है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में भी रखिएगा। अब देखते हैं आगे। One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old man with a fruit stall. एक दिन वह पीछे के एक अनजान गली में घूम रहा था, तब उसने एक बूढ़ी जो कि फल की खोखे चला रही थी उसके पास पहुंचा। She was selling dried provisions and oranges on the shutters of the house behind the store. She had hung a large cluster of gourds. वो बूढ़ी औरत सूखी हुई खुरमाएं तथा संतरे बेच रही थी, लेकिन पीछे में गौर्स का एक गुच्छा वो लटका रखी थी, एक बहुत बड़ा गुच्छा लटका रखी थी। Can I have a look? क्या मैं इसको देख सकता हूँ? Said Sebi and immediately ran behind the stall and began examining the gourds. Sebi ऐसा कहते हुए खोखे के पीछे गया और उन गौर्स का निरीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. उसने देखते देखते एक ऐसा गौर देखा जिसकी लंबाई 5 इंच का था और ये बिल्कुल देखने में साधारण लग रहा था। Something about it made Savage heart beat faster. लेकिन इस गौर में कुछ न कुछ ऐसा था जो कि सेवी के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था, गति प्रदान कर रहा था। मतलब कि उस गौर्स में ऐसा कुछ था जिससे सेवी उस गौर की तरफ आकर्षित हो रहा था। How much is this one? He asked, panting out the words. सेवी हाँफते हाँफते बोलता है कि इसका कितना कीमत है। सेवी को वो गौर इतना पसंद आ जाता है, वो तुरंत उसका दाम पूछता है। Well, said the old man, since you are just a lad, I let you have it for 10 cents. बुढ़ी औरत बोलती है कि देखो तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुमको हम ये सिर्फ 10 सेंट में दे देंगे। In that case, said Sebi, urgently, please hold it for me, won't you? I'll be right back with the money. सेवी बोला कि क्या आप इसको मेरे लिए रख देंगी? रख देंगी ना, मैं अभी तुरंत पैसे लेकर आता हूँ। देखते हो बच्चे, गांव में फेरी वाला कुछ आता है, सोन पापड़ी बेचने, कुछ भी बेचने, तो बच्चे कहते ये हो रखवाना, तुरंत आवाता नहीं है ना। तो इस तरह से वो बच्चा वहां पे अपना फल रखवा दिया और तुरंत दौड़ कर जाकर पैसे लेने चला गया। He dashed home and in no time at all was back at the store. बिल्कुल भी समय गवाए बगैर वो घर गया और वहां से पैसे लेकर आ गया। He bought the gourd and took it home. वह गौर खरीद लिया और उसको अपने घर ले गया। From that time on, उस समय से he was never separated from his new gourd. वो अपने इस नए तुम्बे से, अपने नए गौर से कभी भी अलग नहीं हुआ था। He even took it along to a school and used to polish it under his desk
इन क्लास टाइम। वो इससे गॉड को अपने स्कूल में भी लेके चला जाता और क्लास टाइम में उसको डेस्क के नीचे पॉलिश करते रहता, जिस तरह से आप लोग मोबाइल लेके चले जाते हो क्लास में और डेस्क के नीचे रखकर या तो चैटिंग होते रहेगा या फ्री फायर खेलते रहोगे। तो उसी तरह हर बचपन हर लड़कों में एक नटखटपना होता है, एक बचपना होता है, एक क्या बुधूपना होता है। वो सेविंग में भी था, इसको जिस चीज का शौक था, ये चैंपियन था गॉड को परखने में, ये चैंपियन था गॉड के क्वालिटी को देखने जांचने में, इतना रम गया था। तो डेस्क के नीचे ये उसको पॉलिश करते रहता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अपने एक टीचर के द्वारा उसे पकड़ लिया गया क्लास में पॉलिश करते। Who was particularly instant because it happened to take place in an ethics class. Master साहब एकदम आपा खो दिए, कोनो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो और बच्चा कुछ छेड़खानी कर रहा हो अलग, तो कितना मजा आएगा ना टीचर को, कूट देगा जिसे कूटते हैं क्लास में आके हम। तो बिल्कुल ये आपा खो दिए, बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन एथिक्स क्लास। और भी इसलिए वो आपा खो दिए क्योंकि वो नैतिक क्लास में, नैतिक शास्त्र के क्लास में इस तरह की घटना घट रही थी, जहाँ निजी शिक्षा पढ़ाई जाती है, नैतिकता पढ़ाई जाती है, और उसमें वो बेहुदा पॉलिश कर रहा है तो कुटाएगा नहीं, हम तो रहते तो के लतिया देते। देखो, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच अफर्मेटिव पास टाइम एज कलेक्टिंग गॉड्स। देखो, टीचर जो थे वो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे, इसलिए उनको इस तरह का बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। He never minded having his student think Navabhushi Bharat, however recklessly। जो टीचर से उनका कहना था कि जो नवाबहुशी जो संगीत है जापान का, उसको तुम गालो क्लास में, चाहे कर्कश आवाज में ही गालो, बिल्कुल भद्दे आवाज में ही गालो, उसको तुम गालो, लेकिन इस तरह की बेहूदगी उनके यहाँ क्षम्य नहीं थी। Now when he found Sevi silently polishing his god, his voice trembled with fury। जब उन्होंने सेवी को गॉड पॉलिश करते हुए देखा अपने क्लास में, तो इतने गुस्सा हो गए कि उनके आवाज में कपकपी दिखने लगा। जब बीपी हाई होता है तो कैसे आदमी कपकपाने लगता है, बिल्कुल उसे एवं बिल्कुल उग्र भाव में आ गए थे। शिक्षक महोदय, यू आर एन इडियट, ही शाउटेड। मास्टर साहब चिल्लाए, एवं तू बेहूदा है। There is absolutely no future of boy like you। तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई भविष्य ही नहीं है। Then and there he confiscated the god on which Sevi had spent so many long hours of work। उसके बाद उन्होंने Sevi से छीन लिए, अरे कहता भला उसको, उसको छीन लिए। Sevi started straight ahead and did not cry। Sevi stayed straight। Sevi सीधा देखता रहा और कुछ नहीं बोला, उनका लाज ख्याल था बोल के। मास्टर साहब को तो बोलिए से लेकर कांपे लगता है, कौन कौन सुसु कर देता है। देखो, when he got home, जब वह घर पहुंचा, सेवी फेस वाज पेल, सेवी का चेहरा बिल्कुल उदास था, और सबसे प्यारा वस्तु छिना गया था तो उदास नहीं होगा। विदाउट अ वर्ड, बगैर कुछ बोले, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall। वो बोर्सी पर अपना पैर रखा और दीवार की तरफ देखते रहा। After a while, कुछ समय के बाद, the teacher arrived। मास्टर साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ था जी, अब वो घर हूँ पहुंच गए लड़का के। As Sevi's father was not at home from the carpenter shop where he worked, क्योंकि सेवी के पिताजी कारपेंटर शॉप बढ़ई के दुकान से जहाँ वो काम करते थे वहां से अभी तक घर नहीं लौटे थे। देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी याद कर लेना कि सेवी के पिताजी कहाँ काम करते थे, तो कारपेंटर शॉप पर वहां काम करते थे, वहां से अभी नहीं लौटे थे। द टीचर डायरेक्टली ही अटैक्ड ऑन सेवी मदर। तो मास्टर साहब सेवी के मैये पर छिछाए लगे एवं सारा गुस्सा उलझे उतारना शुरू कर दिए। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इस तरह का छोटा मोटा जो लड़कों में कमी है ना, वो आपके अभिभावकों की, आपके परिवार की जिम्मेवारी होती है। He said in a stern voice, काफी तेज आवाज में बोले, It is the duty of your parents to see that such things don't happen। आप माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि इन बातों का ध्यान रखें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे।
in an agony of embarrassment, Savvy's mother muttered some apology. ये जो कुछ शर्मिंदगी के भाव दिखाते हुए सेवी के माता शिक्षक महोदय से क्षमा मांगती हैं। Meanwhile, Savvy was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner. अब सेवी जैसे सुना कि शिक्षक महोदय पहुंच गए हैं घर, तो बेचारा एकदम दुबक के कोना में जाकर सर झुका रहा, कहीं देख ना ले, देख लेंगे तो वहां भले ही छोड़ देते, यहाँ मम्मी या मास्टर साहब दोनों मिलकर पूछ देंगे। टेरिफाइड, डरे हुए, he glanced up at his vindictive teacher and the wall directly behind where a whole row of fully prepared gods was hanging. वो बेचारा डर डर एक बार मास्टर साहब पीछे झांकता है, उसके बाद अपन दीवार से झांकता है, देखते हैं कि पूरा दीवार एकदम गॉड से भरा हुआ है। मास्टर साहब अगर ये देख लिए तो एक साथ साथ हम लोग कस्टमर बना देंगे। What would happen if the teacher caught sight of them? कहते कि अगर मने मने सोच रहा है कि अगर मास्टर साहब इसको देखेंगे तो क्या हल करेंगे। Trembling inside, he waited for the worst. वो सोचा कि ज्यादा ज्यादा हम कितना बुरा सकते हैं, तो दिमाग में हम ख्याल तोड़ते रखता है ज्यादा ज्यादा कितना बुरा हो सकता है मेरे साथ। But at length the man adjusted his rhetoric and stamped angrily out of the house, Savvy's heart to sigh of relief. लेकिन कुछ देर में ही उसको शिक्षक महोदय के बाहर जाने की आहट सुनाई दी और वो एकदम लंबा सांस लिया कि चलो भगवान बचे, मम्मी से तो समझ लेंगे, मम्मी से तो हर लड़का समझ लेता है। Savvy's mother was sobbing softly. सेवी की माँ अंदर अंदर सिसक रही थी कि हाय कैसे भूतफट्टा निकल गया। इन अ क्यूरियस वाइन she began to scold him, कराहते हुए, कैसे मम्मी एकदम चिल्लाती है माथे पर हाथ रख के, उसी एकदम करने लगी कि ये उसको डांटने लगी, स्कोल्ड करने लगी, डांटने लगी। एंड इन द मिस्ट ऑफ दिस, और इसी के बीच में जब वो डांट ही रही थी माथा पर हाथ रख के कैसे पुत्र हमें जन्म ले रखे, तो तब तक सेवी फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सेवी के पिताजी भी दुकान से चले आए। अब पापा लोग आते हैं दुकान से बाहर से काम करके, एकदम मिजाज उनका गड़बड़ रहता है, ऐसे ही बॉस उधर तुम करो ठोकले रहते हैं दिन भर, मिजाज ऐसी गड़बड़ रहता है। अब वो आते हैं घरे, as soon as he heard what had happened, जैसे उनको पता चला, जैसे वो सुने कि अभी भी क्या हुआ है घर में, he grabbed his son by the collar, तो अपने लड़का के सीधे कॉलर पकड़ते हैं and gave him a sound beating, और वह धवाधव दे दराधर चालू कर देते हैं। You are no good, कहते तू बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। He bawled at him, वो उसके ऊपर चिल्लाए, अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हैं उसके पिताजी कि तुम बिल्कुल ही अच्छा लड़का नहीं है। You will never get anywhere in the world the way you are carrying on, ये जो रास्ता तू अपनाया है बेटा वो तुमको दुनिया में कहीं भी अच्छे जगह पर नहीं लेकर जा सकता है। I have a good mind to throw you out into the street where you belong, कहते कि मुझे तो लग रहा है कि तुमको उठा के गली में फेंक दे, वहीं के लायक हो तुम। The ghost on the wall caught his attention. इतने में पिताजी का ध्यान उस सारा ghost जो दीवार में लटका हुआ था उसके ऊपर चला गया। Without a word, बगैर कुछ बोले, he fed his hammer and systematically smashed them to pieces. वो बगैर समय गवाए हुए हथौड़ी उठाते हैं, हैमर उठाते हैं और सारे ghost को टुकड़ों में कूट कूट के रख देते हैं। Savvy turned pale but said nothing. सेवी का चेहरा बचा के, जैसे जैसे गोश्त कुटा रहा था सेवी के चेहरा का पानी उतरल जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा, सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवी कन्फिस्केटेड गोश्त टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल। अगले दिन वो शिक्षक महोदय सेवी से छिना हुआ गोश्त एक दरबान को दे दिए, अपने उनके यहाँ जो काम करता था उसको दे दिए। हियर टेक दिस, ही सेड एज हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, इस तरह से दिए जैसे मान लो कोई गंदा वस्तु उसको दे रहे हो, मास्टर साहब ए लो 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 इसको हटाओ यार। द पॉटर टुक द गॉड होम विद हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्टडी रूम, उसके बाद उसको ले जाता है वो दरबार और अपने घर में लटका देता है, घर के दीवार में लटका देता है। अबाउट टू मंथ्स लेटर, दो महीने के बाद द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, से पॉटर को वो जो वहां का जो नौकर था जो दरबार था उसको कुछ जरूरत से ज्यादा पैसों की जरूरत हुई।
decide to take the goat to local curious shop to see the to see if he could get a few coppers for it. वो उसको लेकर एक क्यूरियो शॉप में गया ताकि उसको बेचकर कुछ पैसे कुछ कॉपर्स वहां से कमा सके. द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली देन अज्यूमिंग एंड अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पॉटर सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट. उसके बाद क्यूरियो जो डीलर था ना वो उस गॉड को एग्जामिन किया, उसके बाद थोड़ा सा चेहरा का मुंह बनाया. हम 5 yen से ज्यादा नहीं दे सकते हैं. द पोटर वॉज एस्टोनिश्ड बट बीइंग क्वाइट एंड एस्टिट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली. जो पोटर था वो भी कम धूर्त नहीं था, वो भी बड़ी चला था, वो चकित हुआ. 5 yen दीजिएगा, बिल्कुल शांत भाव से बोला 5 yen दीजिएगा. I certainly wouldn't part with it for that. जाइए हम नहीं देंगे आपको 5 yen. The dealer immediately raised his offer to 10 yen. जैसे ही बोला कि हम 5 yen में नहीं देंगे, वैसे ही वो जो डीलर था बोला कि 10 ले लो, जा फटाफट 10 yen ले लो. But the porter was still adamant. लेकिन वो जो पोर्टर था वो अभी भी अटल था, अभी भी टिका हुआ था कि ना 10 yen में नहीं देंगे. In the end, the curio dealer had to pay 50 yen for the goat. अंत में 50 yen लिया उससे, डीलर से 50 yen लिया. याद रखिएगा, सेवी खरीदे था 10 yen में, उस बूढ़ी औरत से सेवी खरीदे था 10 yen में, और उसी गोट को ये बेच रहा है डीलर से 50 yen में. The porter left the shop. अब पोर्टर वहां से चला गया delighted at his luck, अपने भाग पर इतराते हुए कि फिर के 50 yen कमा लिए. It wasn't often that the teachers gave one a free gift equivalent to a year's wage. It wasn't often that, हाँ, ये इतना खुश था कि एक साल की मजदूरी इसको एक ही दिन में मिल गया है. ऐसा लग रहा था कि जैसे बोनस के तौर पर मास्टर साहब इसको पूरे साल का मजदूरी दे दिए हैं. He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither Sevi nor the teacher ever heard. What had happened to the god? इतना अपने आप को चलाक ससुरा समझ रहा था कि ना तो ये मास्टर साहब को बताया था कि वो गॉड को क्या किया, और ना ही सेवी को बताया कि वो गॉड को क्या किया. Yes, the potter was clever. हाँ, वो बहुत चतुर जरूर था, but he was not clever enough. लेकिन ज्यादा चतुर नहीं था. Little did he imagine that this same god would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. अब जो आदमी इसको 50 yen में इससे खरीदा था, जो क्यूरियो डीलर, वो शहर के ही एक धनाढ़ एक धनी मानी कलेक्टर संग्रहकर्ता के हाथों इसको 600 yen में बेच दिया. समझो, 50 yen में खरीद किया, 600 yen में बेच दिया उसको. अब बताओ, इस चतुर की डीलर चतुर है ना. सेवी नाउ इनग्रोस्ड इन द इन हिज पिक्चर्स. अब सेवी कुटा गया था तो गौर से उसकी रुचि हट गई थी. हिम तो नहीं होता, एक बार कुटा जाओगे तो उसका करने का खूब अच्छा से कुटाओगे. तब अब वो तस्वीर बनाने में लीन हो गया था. He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious goats to pieces. वो अब उसके दिमाग में नहीं दौड़ते रहता था कि उसके शिक्षक उसको गोट्स के लिए ठोके ठाके थे, उसके माता पिता उसको गोट्स के लिए ठोके ठाके थे. Yes, gradually, yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. लेकिन अब धीरे धीरे उसको तस्वीर बनाने के लिए भी डांट खानी पड़ी. तो इस तरह से हम अपने बच्चों के टैलेंट को अगर नहीं पहचानते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते हैं, तो कम से कम उस पर बोझ मत डालो. हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है. हर किसी का अपना अपना एक जोन होता है, उसमें वो काम करता है. अगर कोई अपने बच्चे को जबरदस्ती बोलता कि नहीं तुमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, तो आज धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को कोई नहीं जानता. बच्चों का इंटरेस्ट देखिए उधर, किसका किस बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, उसको मोटिवेट करो, उसी क्षेत्र में वो अच्छा करो, इस तरीके की फैसिलिटी आप उसको दो. तो थैंक यू. हम इसका PDF जिन लोगों के नंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है या टेलीग्राम में है, उनको PDF इस चैप्टर का आज मिल जाएगा. कल हम लोग देखेंगे वॉइस का, जो कि 10th 12th और कॉम्पिटिशन सबके लिए है. थैंक यू वेरी मच.